पॉलिटिकल अपने जितने भी हमारे चुनाव कराने कर्मी जाएंगे उनसे मैं फिर से एक बार अपील करना चाहता हूं, वो आज सुन रहे होंगे कहीं ना कहीं, कि लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करना उनका परम धर्म है, इसमें से कतई भी कोताही ना बरतें। उनको बताया गया है, इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, अगर बरतेंगे तो वील बी रूथलेस इन डीलिंग, बिकॉज मेजॉरिटी ऐसा नहीं करती, अगर एक दो करेगा तो उसकी वजह से हम अपने इलेक्शंस को बदनाम नहीं होने देंगे, विल बी रूथलेस। एंड लास्टली माई अपील टू द पॉलिटिकल पार्टीज अगेन, वी आर वेरी कमिटेड फॉर एथिकल पॉलिटिकल डिस्कोर्स। आई वुड लाइक पार्टीज टू अगेन अपील दैट प्लीज मेंटेन डोकोरम इन कैंपेनिंग एंड रिफ्रेन फ्रॉम एब्यूजेज एंड पर्सनल अटैक्स। राजनीतिक दलों को बहुत पर्सनल अटैक से बचना चाहिए। फिर मुझे बदर साहब का एक शेर याद आता है, दुश्मनी दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, दुश्मनी जम के करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। और वैसे भी आजकल जल्दी जल्दी दोस्त बनना और जल्दी जल्दी दुश्मन बनने की प्रक्रिया थोड़ी ज्यादा चल रही है, तो पार्टीज कम से कम ऐसा ना गंदा बोलें कि वो एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं और फिर कुछ ना हो सके। विद दिस आई वुड वंस अगेन थैंक ऑल द प्रेस मीडिया हु हैव कम हियर वेरी सिंसियरली। दिस इज व्हाट आई हैव सीन इन नाउ 3.5 years। यू आर आर नेचुरल एलाइज, यू आर आईज एंड ईयर्स। हमारा कोई क्रिटिसिज्म होता है आप करते हैं, हम अपनी बात कहते हैं आप करते हैं, आप ही के थ्रू हम वोटर्स पे पहुंच सकते हैं। प्लीज वोटर्स तक हमारी बात पहुंचाइए, उनको बाहर निकलवाइए। ये सारी स्लाइड्स, सारा प्रेजेंटेशन आपको अभी तुरंत इसी माध्यम से हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा, डाउनलोड, यूज इट इन योर स्टोरीज। कुछ और चाहिए तो हमें बताइए, हम देंगे। नाउ आई कम टू द शेड्यूल विच यू आर वेटिंग एंड आई होप आई डिडंट डिले इट, आई हैव नॉट बोर्ड यू बाई वॉट आई सेड। सो नाउ विल बी अनाउंसिंग शेड्यूल इन 3 phases, फर्स्ट फॉर द बाई इलेक्शंस। देर आर 26 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन द कंट्री जहां बाई पोल होना अभी है ड्यू। बिहार, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटका, तमिलनाडु, इन सब राज्यों में बाई इलेक्शंस होना ड्यू है। आज तक की जितनी भी वैकेंसी थी बाई इलेक्शंस की, 26 की 26 हम पूरी कर रहे हैं ताकि हमारे खाते में कोई भी वैकेंसी ना रहे। और ये उसी फेज में होंगी जिस फेज में पार्लियामेंट्री इलेक्शन उस पर्टिकुलर इलाके में हो रहा है। वो कब हो रहा है वो मैं आपको जब फेज आएंगी तो उसमें दिखा दूंगा। बट ऑल दी 26 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज विल गो टू द बाई पोल सो दैट ड्यूरिंग दिस इलेक्शन इटसेल्फ वी कैन कंप्लीट दिस एंटायर प्रोसेस। अगर आपने नोट कर लिया हो तो नाउ आई कम टू द असेंबली इलेक्शंस। साथियों, 4 राज्यों में असेंबली इलेक्शंस जैसे मैंने बताया था जून में खत्म हो रहे हैं। सिक्किम जो 2 जून को विद 32 असेंबली सीट्स, उड़ीसा जून 24 विद 147 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज, अरुणाचल प्रदेश ऑन 2 जून विद 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज, आंध्र प्रदेश on 11th June 2024 with 175 assembly constituencies. These are the simultaneous elections to the parliament. They will be held simultaneously. They will also be held in the same phase where the parliament elections will be held. So now when I tell you the parliamentary elections, then I will tell you. But in case of Andhra Pradesh, the date of issue of gazette notification would be 18th of April 2024, a date of poll would be 13th May 2024. तो आंध्रा के केस में नोटिफिकेशन 18 अप्रैल 24 को होगा और डेट ऑफ पोल 13th May 24 को होगी।
इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में डेट ऑफ गजट नोटिफिकेशन 20 मार्च को होगा और डेट ऑफ पोल 29 अप्रैल को होगी। 20 मार्च को गजट नोटिफिकेशन, 29 अप्रैल को डेट ऑफ पोल, सॉरी 19 अप्रैल को, 20 मार्च 19 अप्रैल। इस प्रकार सिक्किम में भी 20 मार्च और 19 अप्रैल, 20 मार्च को नोटिफिकेशन, 19 अप्रैल को डेट ऑफ पोल। उड़ीसा में फर्स्ट नोटिफिकेशन, दिस विल बी कंडक्टेड इन फेजेस एंड फर्स्ट फेज वुड बी ऑन 18th अप्रैल एंड डेट ऑफ पोल वुड बी 13th मई। फिफ्थ फेज में होगा सेकेंड फेज ऑफ द असेंबली ऑफ उड़ीसा 26th अप्रैल एंड 20th मई। देन सिक्स्थ फेज एंड सेवेंथ फेज ऑल्सो उड़ीसा वुड हैव द असेंबली इलेक्शंस, सिक्स्थ फेज बीइंग ऑन 29th अप्रैल एंड 25th मई इलेक्शंस। ये सब आपके साथ में हम अभी शेयर कर रहे हैं ताकि आपको लिखने में, रिपोर्ट करने में इसको आसानी हो। कमिंग टू द जनरल इलेक्शंस टू द लोकसभा, जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक त्यौहार है, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक त्यौहार, बिगेस्ट, 543 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ विच 84 आर रिजर्व फॉर एससीज एंड 47 आर रिजर्व फॉर एसटीज। तो इस 543 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज के महात्यौहार में शेड्यूल बताने से पहले सभी वोटर्स का फिर से हाथ जोड़ के आग्रह, अनुरोध, गुजारिश दैट प्लीज ज्वाइन फॉर द वोटिंग, कम ऑन द डे ऑफ वोटिंग, छुट्टी मनाने ना जाएं।